की बहुत बड़ी महिमा। गुरुर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी बड़ी महिमा। आखिर इन श्लोकों का अर्थ क्या है? हर विभाग में गुरु लगता है। संसार की कोई भी कला, जीवन यापन कला, संसार में सृष्टि में सर्वत्र एक गुरु और बाकी सीखने वाले चेला। साइंस के गुरु, फिजिक्स के गुरु, अखाड़े के गुरु। और काशी में चले जाओ तो हर पंडा जी गुरु, किंतु एक होते हैं सदगुरु। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य परम सत्य एक आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। जगत का पट पसार नश्वर है। उस परमात्म तत्व का बोध करा सके, दर्शन स्पर्श और स्थिति दिला सके, वो होते हैं सदगुरु। पूज्य गुरु महाराज की लावणी बारामासी में है कि ब्रह्मवेता भक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। पहले ब्रह्म से संयुक्त हो, ब्रह्म से वित्त हो, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो, सुरत गुरु के लक्षण जान। जिस शिष्य को पकड़े उसकी मन की सूरत को पकड़कर और इस योग मार्ग पर ले चले, ये सदगुरु के लक्षण है। और केवल मोक्ष की इच्छा रखे उस शिष्य की पहचान। गुरु एक स्थिति, इतने गुण होने ही चाहिए। संसार में दो रीत है, सामाजिक रीत और वैदिक रीत। इसे धर्मात्मा कहते हैं, उससे बाहर भटकने वाले संसारोन्मुख प्रवृत्ति वाले। कबीर कहता है संसार दोनों में उलझा है। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। मैं भी पाछे लागा जाई था, सारा का सारा संसार की भीड़ पीछे लगा चला जा रहा था, लोक रीत के पीछे, वेद रीत के पीछे। उस भीड़ में हम भी थे, अंतहीन सफर था, चलना सदैव है, पहुंचना कहीं नहीं। किंतु मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। बीच रास्ते में सदगुरु मिल गए, उन्होंने हाथ में दीपक दिया। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। दीपक दिया, वह दीपक दिया जिससे वस्तु दिखाई पड़ती है। वस्तु अमोलक पड़ी क्यों खोवे, जिसका कोई मूल्य नहीं। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य परम सत्य वस्तु है आत्मा। उस आत्म तत्व को लखा दिया, वहां तक की दूरी तय करने में करोड़ों जन्म का रास्ता है। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए, एक पल में पहुंचा दिया। ये करोड़ जन्म इसलिए लग जाते हैं कि सदगुरु से परिचय नहीं हुआ, और कोई कारण नहीं। सदगुरु एक स्थिति का नाम है। सृष्टि के सारे गुरुओं को उन सदगुरु की जरूरत है। सारे गुरु संसार में जीवन यापन की विधि बताते हैं। सदगुरु उस परम सत्य का बोध कराते हैं। मान लो गुरुजी ने दीपक ही हाथ में दे दिया, आज दिन को इस वक्त 4 बजा है, किसी ने दिन को 12 बजे दीपक पकड़ा दिया, किस काम का दीपक?
राम नाम मणि दीप धरु जी है दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह से उजियारे। राम नाम एक मणि दीपक है, संसार एक अंधकार पूर्ण निशा है। ये दीपक जहाँ कंठ पर आया, राम नाम जब कंठ पर स्थिर हुआ, तो भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश। ईश्वरीय आलोक में ही देखोगे, प्रकृति के अंधकार में कदापि नहीं। ये भजन की जागृति, राम नाम की जागृति सदगुरु से ही संभव है। ये नहीं लिखने में आता है न कहने में। इन सदगुरु की प्राप्ति के साथ ही कबीर गुरुमुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर आठ पहर निरखत रहे गुरु चरणन की ओर। कबीर कहता है गुरु का मुख चंद्रमा है, सेवक की आंखें चकोर है, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। चंद चकोर की तरह साधक जोर लगता है गुरु के अंदर जो गुरुत्व है। नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही परम गुरु है, गुरु का गुरुत्व है। जब इस प्रकार चकोर की तरह लगा तो गुरु के अंदर जो गुरुत्व है, जो परम तत्व है, वो आप में प्रसारित हो जाता है। सदगुरु के अंदर वो विशिष्ट गुण होते हैं जो परमात्मा का बोध करा दे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवा गमन न सावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, डोलत डिगे न बोलत विसरे, असे उपदेश दृढ़ावे। डोलत डिगे न बोलत विसरे, असे उपदेश दृढ़ावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, बिनु श्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद रुझावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, यह मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे अरु रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दृढ़ावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, सदा आनंद सदा आनंद, फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहे कबीर सदगुरु सोई साचा, जो घट में अलख लखावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवा गमन मिटावे। साधों सो सदगुरु मोहि भावे, गुरु तो तमाम कदम कदम पर गुरु। एक मास्टर साहब कह रहे थे, प्राइमरी के मास्टर साहब थे हमारे पढ़ाए हुए, डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। गुरु
और डिप्टी कलेक्टर भी जब आएगा तो वो इंटर एमए पीएचडी वालों के चरण भले न छुए, प्राइमरी वालों का जरूर छू देते हैं। कारण उस समय बच्चे अबोध होते हैं। गुरुजी ने उठाया, गुरुजी ने बैठाया, गुरुजी ने चलना सिखाया, गुरुजी ने दख्ती पकड़ना सिखाया। सही पूछो तो असली गुरु प्राइमरी वाले, ऊपर वाले तो पकी पकाई में उपदेश दे के चले गए। किंतु सदगुरु में कुछ विशिष्ट लक्षण है। कबीर कहते हैं, वो सदगुरु मुहे प्यारे लगते हैं जो आवागमन मिटा दे। आवागमन जन्म मृत्यु का चक्कर मिटा दे। आना और जाना, जन्मना और मरना, इस आवागमन के चक्कर से मोक्ष मुक्ति दिला दे। भला ये मुक्ति दिलाने वाले गुरुओं का उपदेश कैसे होता है? वाणी से कुछ ही दिन बताते, जब तक कि हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। सदगुरु सारा उपदेश हृदय से ही प्रसारित कर देते हैं, दो चार आना वाणी से। इस पर कहते हैं कि डोलत डिगे ना बोलत विसरे, अश उपदेश दृढ़ावे, साधु सो सदगुरु मोहि भावे। डोलने से डिगे ना, कहीं भी डोलते हुए चले जाओ बद्रीनाथ समुद्र पार, वो सदगुरु का उपदेश बराबर आपका साथ निर्वाह करता रहेगा, आपका बराबर आपके साथ चलता जा रहेगा। डोलत दिगे न बोलत विसरे, कोई व्यवहारिक बात करो वो विस्मृत नहीं होगा, ऐसा उपदेश दृढ़ावे। वो है आत्मा से सदगुरु की जागृति। महापुरुष वाणी से तभी तक बताते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं करते। फिर 12-14 आना हृदय से प्रेरणा के रूप में, और 2-4 आना वाणी से। वाणी वाला कमजोर नहीं होता, वही हमें भली प्रकार पालन करना होता है। लेकिन आप इस जागृति के पश्चात गुरु इतना समीप होता है कि आप समुद्र के किनारे हों और गुरु 1000 किलोमीटर कहीं दूर, तो उतना ही स्पास होते हैं वो उपदेशक के रूप में, रख रखाव के रूप में, जितना कि हाथ पांव नाक कान आपके पास में है। और ये जागृति यदि नहीं, जागृति के पश्चात साधन साधक में उसे धारण करने की क्षमता नहीं, आदेश पालन करने की क्षमता नहीं, तो पास बैठ कर भी वो 1000 कोश दूर है। इसलिए वो उपदेश दृढ़ा दे, कहीं भी डोलते हुए निकल जाओ तभी वो डगमगाता नहीं, बोलने से व्यवहार करने से विस्मृत नहीं होता, ऐसा उपदेश दृढ़ा दे। यही सदगुरुओं को ही उपदेश शैली है। और फिर उनके उपदेश की धारा में चलते हुए असने सने समाधि की स्थिति प्राप्त हो गई। तो बिनु श्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। साधना में बहुत श्रम करना पड़ता है, सतत अभ्यास करना पड़ता है, किंतु उनके उपदेश के सहारे जो समझना और लगना, इस प्रकार जो प्रवृत्त हो जाता साधक, जल्द ही वो समय आ जाता है, फिर श्रम नहीं करना पड़ता, अभ्यास में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिनु श्रम हट क्रिया से न्यारा, कि इतना ही घंटा भजन करूंगा, ऐसी हट क्रियाओं से अलग। सहज समाधि लगावे, सहज माने स्वयं सिद्ध, जपे ने जपावे अपने से आवे, स्वाभाविक समाधि लग गई। सम आदि से समाधि, आदि तत्व अनादि तत्व परमात्मा है, उसके साथ समत्व की लो लग गई। द्वार न रोके
पवन न रोके ना अनहद अरुझावे, साधु सो सदगुरु मोहि भावे। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम में मनो हृदय निरुद्य च मूर्धन्या धायात्मन प्राणमास्थितो योग धारणा। अर्जुन सर्वद्वाराणि संयम में इंद्रियों के सभी दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय देश में स्थिर करके, मस्तिष्क में योग विधि को धारण करके, ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप करते हुए, माम नुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान धरते हुए, अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि तजन देहम देहाध्यास का त्याग कर दिया, देहाध्यास से ऊपर उठ गया, तत्सन वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो चिंतन पथ में सर्वद्वाराणि संयम में सारे इंद्रियों के दरवाजों को संयमित करो, किंतु जब सदगुरु को वो उपदेश मिल गया जो डोलने से डगमगाता नहीं, बोलने से विस्मृत नहीं होता, सने सने सहज समाधि की अवस्था आ गई, तो द्वार न रोके। अब इंद्रियों में उद्वेग है ही नहीं, रोकोगे क्या? तो द्वार न रोके, पवन न रोके, और चिंतन पथ में सारी साधना श्वास पर आधारित है। योग साधना का आधार श्वास से, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे पलक पलक चली जात, ये परमात्मा के द्वारा प्रसारित माला है। आप सो जाते हो तो ये चलती रहती है, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा रूप बना के खड़ा कर दो, देखा भर करे श्वास कब आई, क्या कह दिया, कब लौट के गई, क्या कह दिया। तो द्वार ने रोके, पवन ने रोके, श्वास पर श्वास के जजन में अन्य संकल्प न आवे, ये जिम्मेवारी रहती है साधक की। किंतु सहज समाधि की जहां स्थिति आ गई तो पवन रोकना नहीं होता। एक बार सूरत जहां सांस में लग गई तो रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, सहज धुनि प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि वृत्ति समाधि में प्रवाहित है। इसलिए तो द्वार न रोके, पवन न रोके, ना अनहद अरुझावे। और हद कहते हैं सीमा को, बॉर्डर को। आज भजन करते हो 2 घंटा 4 घंटा, बहुत से महापुरुष 14-14 घंटा, किंतु एक सीमा है कि 14 घंटा। किंतु एक स्तर जब समाधि की पकड़ आ जाती जागृति, तब ये स्तर ऐसा है कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमरन करो, सो तो लौ लगा के तब निद्रा लाभ करो। चिंतन में बैठ जाओ, भली प्रकार सूरत स्थिर हो जाए तब शयन करो, कहीं निद्रा में भी अनर्थ ने हो जाए, व्यर्थ के उद्वेग संकल्प ने पैदा हो जाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब भजन धारावाही हो जाता है, इसका नाम है अनहद। भजन मापतोल से ऊपर उठ गया, लेकिन जब सहज समाधि की पकड़ आ गई तो न अनहद अरुझावे, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन रहता है, श्वास में अन्य उद्वेग नहीं आते। और अनहद साधना की करीब की अवस्था है प्राप्ति के, किंतु जब समाधि की पकड़ आ गई तो अनहद में भी वो नहीं उलझाते। ऐसी स्थिति दिला दे वो सदगुरु मुझे प्यारे लगते हैं। सदगुरु के ये गुण हैं, आओ बेटा चेला हो जाओ तो कि तुम्हें हम ये मठ दे देंगे, तब तो पार हो ही चुके हैं।